एक छोटी सी बात कही थी, तो मैं इस वक्त क्योंकि एनसीए को देख रहा हूँ कि एनसीए ने एक्नॉलेज नहीं किया वजीर साहब को, तो वो मैं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कह रहा किसी की बात से, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एनसीए ने बिल्कुल एक्नॉलेज किया है। और एक चीज़ आप तो तमाम दोस्तों के सामने मैं आज उसकी दोबारा से वजाहत कर दूँ कि बशीर साहब जब रिटायर हो गए थे तो एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ये रिटायर हुए थे, लेकिन ये डिजर्व करते थे एज ए फुल प्रोफेसर रिटायर होना। तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इस केस को मैंने रखा, तमाम इनकी जो सर्विसेज हैं और तमाम केस, और बोर्ड ने यूनानिमसली एक नहायत ही यूनिक डिसीजन लिया था कि बशीर साहब को इनके रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसरशिप अवार्ड की गई थी, और तमाम जो 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 सरकारी जो प्रोसीजर है उसे पूरा किया गया, इनकी सैलरी पेंशन रिवाइज की गई। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट के हवाले से मैंने बात की कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने एक्नॉलेज किया है। थैंक यू जी, थैंक यू।